एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित नहरोली गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने तमीम जहां को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। लगभग 1862 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 436 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 202 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 19 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 6 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 110 विद्युत पोल, 8 ट्रांसफार्मर व 16 लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 17 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाले का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत के तहत 105 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 120 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। मैं मोहम्मद फरमान, ग्राम पंचायत नहरोली, विकासखंड असमोली, तहसील व जिला संभल, प्रधान पुत्र ग्राम पंचायत नहरोली में जो हमें धनराशि प्राप्त हुई थी उसमें हमने पूर्ण रूप से सीसी टाइल्स और नाला निर्माण, अन्य कार्य हमने यहाँ कराए हैं। इस सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, पानी भरा रहता था वहाँ पर, हमने उनमें शौचालय निर्माण, बच्चों के खेल कूद के लिए मिट्टी डलवाई और लाइट की व्यवस्था कराई, सूर्य ऊर्जा लाइटें लगाई। अब हमारा सरकार से निवेदन है कि हमें कम से कम 30-40 हैंडपंपों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है। 19 हैंडपंप 4500 की आबादी में नहरोली के अंदर हैं और कम से कम 100-150 व्यक्ति नहरोली के अंदर ऐसे हैं जो पन्नी डालकर अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि 2011 वाली सूची में हमारा गाँव का नाम ही नहीं आया था, सेक डाटा नहीं आया था। अब सरकार से दरखास्त है कि सबसे पहले हमारे इन गरीब आदमियों को झोपड़े दिए जाएं और जो पूर्ण रूप से धनराशि आई थी वो हमने लगा दी है। नहरोली के अंदर 105 शौचालयों का निर्माण हो चुका है जो अब मौजूद है, और अभी हमारा गांव ODF नहीं हो पाया है क्योंकि अभी 200-225 शौचालयों की आवश्यकता है नहरोली के अंदर, और विकास की भी काफ़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत नहरोली को ज़्यादा से ज़्यादा विकास की घोषणा की जाए। मैं मोबिन अली, ग्राम पंचायत नहरोली का एक नागरिक हूँ और यहाँ प्रधान जी सही काम करा रहे हैं। स्कूल की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी हो गई पहले से, यहाँ पहले बहुत गंदगी थी फील्ड में, यहाँ पे और काम कराया है, पुताई वगैरह चल रही है स्कूल में, और ये शौचालय बनवाए हैं मॉडर्न मॉडल वाले, और वैसे भी काफ़ी ग्राम पंचायत में काम किया है। और यहाँ बच्चों के लिए पहले खेलने के लिए काफ़ी जगह नहीं थी, अब मिट्टी लगाने के बाद काफ़ी फील्ड हो गया है और अच्छा काम करा रहे हैं प्रधान जी।